firstly, to congratulations to sir for making this wonderful movie. The trailer is amazing. And जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है, it's a special appearance. तो उसको ज़्यादा out नहीं किया है अभी तक. It's more of a secret. वो धमाका एक साथ फोड़े हैं कभी. But yeah, Samudra sir is one of the humblest director you ever want to work with. I still remember जब हम first time shoot कर रहे थे and जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, he was there to make me understand कि you know जीना ऐसे नहीं, ऐसे कर रहा हूँ जी, ऐसे कर रहा हूँ. So yeah. But he's very simple to work with and very very down. So thank you so much, sir, for making me this part. It's a negative. That is the secret. It's a yeah. It's kind of a fun thing that you watch. So. क्या छुपा रही? They want to know what I'm doing. हमको क्या छुपा रहा है? नींद आसना. जेनल हमारा हीरोइन इस फिल्म में बहुत डिफरेंट कैरेक्टर बट देखिए बहुत अपीयरेंस कर रहे हैं. दिस फिल्म में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो भी मिले. फिल्म का कहानी स्टोरी दिस फिल्म भारत देशम मतलब भगवद्गीता, भगवद्गीता मतलब भारत देश. ये पॉइंट में भगवद्गीता एवरी पर्सन को रीच हो जाना. भगवद्गीता नॉट ए ऑर्डिनरी, एवरी पर्सन को लाइफ लाइफ एंड एवरी स्टेट को एवरी पर्सन को ये भगवद्गीता में बहुत कृष्ण भगवान बोला है. एवरी पॉइंट बहुत बहुत अच्छी पॉइंट है. ये पॉइंट हीरो का कैरेक्टर कृष्ण भगवान का डाई हार्ड फैन है एक फिल्म में. वो बढ़ते फैन बोल रहे हैं वो एंड फैन दोनों एक ही है ना. इसके लिए ये फिल्म में एक हिंदू को भगवद गीता, एक मुस्लिम को कुरान, क्रिश्चियन को बाइबल, ये पूरा कैसे है एवरी पर्सन को लॉ एंड ऑर्डर लॉ न्याय शास्त्र मालूम पड़ना, ये एवरी कॉमन पर्सन को रीच करने के ये हीरो कैरेक्टर ये वरदराज गोविंदम में ट्रेलर लॉन्च हुआ है लॉन्च करने के लिए कोई खास वजह हिंदी तो है लेकिन इसका ये फर्स्ट ऑफ ऑल पैन इंडिया मूवी है. इसके लिए ये फिल्म भगवद्गीता सपोर्ट में ये सब्जेक्ट है. इसके लिए एवरी पर्सन को एवरी स्टेट को ये रीच हो जाना. जनरली पैन इंडिया मूवी इसके लिए पब्लिसिटी करने के नया आया हूँ. ये डेफिनेटली इंडिया को एवरी पर्सन को इम्पॉर्टेंट है ये फिल्म. सो इसके लिए यहाँ से प्रेसमिट करने के फर्स्ट यहाँ से शुरू किया एंड देन अदर लैंग्वेज तेलुगु एंड तमिल एंड असामी इसमें फर्स्ट में रखेगा. ये सब वेरी गुड कॉन्सेप्ट फिल्म है. इसके लिए इसमें बिफोर मैं बहुत लाटा फिल्म किया 18 फिल्म्स. ये 18 फिल्म्स में मैं एक एक ही फिल्म में एक मदर एंड फैमिली रिलेशन, एक फार्मर, फ्रेंडशिप, इसमें अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट बना दिया मैं. वो बहुत सक्सेस हो गए वो फिल्म्स. ये फिल्म एवरी पर्सन को रीच करना है. क्यों? इसमें बहुत बहुत लॉट ऑफ पॉइंट्स है. एवरी कॉमन पीपल को दिस सब्जेक्ट मालूम पड़ना, न्याय शास्त्र मालूम पड़ना, लॉ मालूम पड़ना. वो क्या बोल रहे ये क्या बोल रहे हैं हीरो ये फिल्म इसके एवरी पर्सन को लेके जाता. इसके लिए ये फिल्म देखिए तो लॉट ऑफ पर्सन्स वरदराज गोविंदम
एवरी पोलिस स्टेशन जाए तो वरदराज गोविंद नाम बोलता है, एवरी कोर्ट जाए तो वरदराज नाम नाम बोलता है। ये सा सोसाइटी में ऐसा स्क्रिप्ट है। ये म्यूजिक है फिल्म के लिए प्रत्येक है, बिकॉज अभी सार ने बोल रहे भगवद्गीता श्री कृष्ण भगवान मतलब अभी अपने एस्टरडे टू डेज बिफोर आदिपुरुष अपने देखा म्यूजिक के लिए कितना प्रॉमिनेंस वो दिया, लाइक दैट ये पिक्चर में भी म्यूजिक के लिए बैकग्राउंड के स्कोर के लिए बहुत अच्छा फिल्म है मेरे लिए। एंड ऑल्सो वी डिड 6 सॉन्ग्स इन दिस फिल्म, 6 सॉन्ग्स में बहुत अच्छा सॉन्ग्स अपने को अच्छा लगा, आप सुनेगा तो आपको अच्छा लगा, बिकॉज माई सॉन्ग्स माई डायरेक्टर सॉन्ग्स अपने में अच्छा है मैं बोल सकता हूँ, बट रियली इट्स केम वेरी नाइस सॉन्ग्स। एंड उसमें अच्छा लिरिक राइटर्स भी अभी हिंदी में लिख रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर डूइंग ऑल सॉन्ग्स इन हिंदी एंड उसको कम्प्लीटली वी आर टेकिंग केयर सो मच ऑफ केयर एंड गुड सिंगर्स गुड लिरिक्सिस्ट एवरीथिंग, अभी उसको अच्छा खाना बन रहा है उसको लाइक दैट। हाँ लाइक दैट अभी बोल रहे ना वो अंटा वाह लाइक दैट कुछ खास इसमें भी अच्छा एक है वो लेके आएंगे आपका सामने। यस हाँ वो रिलीज डेट में बिफोर प्रेस फाइनल प्रेस मीट है। हाँ और एक बार मिलेंगे उसमें डालेंगे। रोमांटिक फिल्म नहीं है ये, एक्शन फिल्म रोमांटिक नहीं है, दिस इज एक्शन फिल्म बिकॉज एंटरटेनमेंट एक्शन एंटरटेनमेंट बस रोमांटिक बीच में जाता है, रोमांटिक फिल्म में कंटेंट है बट फिल्म एक्शन फिल्म बिकॉज सार का मेन कंटेंट भगवद्गीता मीन्स उसमें वो पढ़ेगा तो सपनों को अपनों को ला का जरूरत नहीं है, इसमें पूरा ला है भगवद्गीता में ला है, इसीलिए भगवद्गीता मतलब अपना पूरे भारत देश का है नॉट ओनली वन स्टेट, बिकॉज वो उसमें अपने सब लोग जाएगा तो सब लोग वो भगवद्गीता पढ़ेगा तो अपना ये पुलिस ये पूरा उसको एक डरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने को अच्छे तरीके से अपने जिंदगी जीने के लिए अपने को थोड़ा मकसद मिलेगा लाइक दैट, ये पूरा चीज है इसमें सार ने दिखा दे रहे हैं। दिस इज वेरी गुड मूवी। अच्छा मैं बताना चाहता हूँ ये फिल्म सब कुछ इसमें कवरिंग हो रहा है। नंबर वन किसान के बारे में, किसान नहीं होने से हमारे देश में अन्नदाता कहाँ है, जब आपको अन्नदाता नहीं है आपको किसान नहीं होने से देश में क्या खाएगा, इसलिए वो हम लोग थोड़ा कंटेंट्स वो ले लिया। जब एक किसान ने मर जाने के बाद उसके ऊपर वो गांव वाले ने एक इंडियन फ्लैग उसके ऊपर डालेगा, इंडियन फ्लैग मालूम है ना आप लोग का नेशनल फ्लैग डालने के बाद वो SP वहां का आके ये क्यों डाला उसको, एक नॉर्मल एक किसान है उसको क्यों डाला है नेशनल फ्लैग, नहीं डालना चाहिए करो उसका अच्छे से वहां कुछ उनके साथ फाइट होगा उधर। उसका बाद वो आदमी ने एक्सप्लेन किया है अगर ये नहीं होने से हमारे कोई मिनिस्टर्स हो प्राइम मिनिस्टर हो और राष्ट्रपति हो खाने के लिए उसको क्या चाहिए खाना चाहिए, अगर ये रईत नहीं होने से ये किसान नहीं होने से देश में कोई नहीं है, वो पार्ट हम लोग कवर किया। वो एसपी ने कन्विंस होके उसे गार्ड ऑफ ऑनर देगा वही सेम एक रईत के लिए, रईत मीन्स किसान के लिए, वो एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल में MLA का फ्रॉड्स कितना पैसा कमाया उन लोगों के बारे में इंक्वायरी होगा, उसका पैसा पूरा हैंग करके पैसा पूरा लूट लेगा वो एक पार्ट है। और तीसरा पार्ट है एक एक लड़की का स्टूडेंट ने रेप किया, रेप करके मर दिया उसको, मारने का बाद उसके बाद ये लॉयर ने ये लॉयर ने उसको पूरा आदमी को खत्म करके नहीं 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 अपने प्रैक्टिस मैंने अपने प्रोड्यूसर फिल्म में कितना घुस गया मैं उसके सहारे में पूरे गया इसके लिए ना ये फिल्म 3 पार्ट में बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है,
फैमिली का भी है, बच्चों के लिए और बुढ़ा के लिए। ला ला के बारे में मालूम होने से कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। अगर ला के बारे में मालूम नहीं है फिर मुश्किल हो जाएगा। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होगा लेकिन उसमें ला मालूम होने के बाद पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी के ऊपर वो फाइट कर सकता है। Yes, ये इसके कंटेंट्स है ये पिक्चर का। आप लोग कुछ डाउट है पूछ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले नमस्कार आप सब लोगों को। फिल्म वरदराज गोविंदम ये मेरे लिए बहुत खास फिल्म है। खास क्यों है? क्योंकि वरदराज गोविंदम का जो कैरेक्टर है वो भगवत गीता के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भगवत गीता के जो सार हैं उसके सराउंडिंग में ये पूरा है। जैसे एक डायलॉग है इसके अंदर, 99 गलतियां माफ करने वाला श्री कृष्ण नहीं हूँ, उसका डाई हार्ड फैन हूँ और मैं पहली गलती पे सजा देता हूँ। सो ये जो वरदराज है नहीं, क्योंकि वरदराज बेसिकली एक लॉयर है और उसको न्यायपालिका पे भी विश्वास है लेकिन वो कुछ न्याय अपने हाथ से चाहता है कि मैं इसको करूं। ही डोंट वॉन्ट कि लाइक लोग आए कोर्ट में जाए, बेल हो जाए, फिर से वो सेम क्राइम उनका रहे। तो इसका फंडा ये है कि आपने एक बार गलती किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आपने गलती किया तो आपको सजा मिलेगा। और लॉ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गीता तो हमारा एक हमारा अध्याय है, हमारा जीवन है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्म के अंदर वो है लॉ फॉर ऑल, एक कानून सबके लिए। आज हर हिंदू को सब ये बोलते हैं गीता पढ़ो, मुस्लिम को बोलते हैं कुरान पढ़ो, क्रिश्चियन को बोलते हैं आप बाइबल पढ़ो, लेकिन ये सब पढ़ो, ये सब अच्छा है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपना लॉ पढ़ो। आपको आपका कानून मालूम होना चाहिए, आपका लॉ मालूम होना चाहिए। अगर आपको अपना लॉ मालूम होगा तो आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन लोग धर्म के नाम पे बच चुके हैं, लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट गीता कुरान बाइबल ये सब हो चुका है। तो मेरा नहीं मतलब समुद्र सर का एक एफर्ट है इस फिल्म के थ्रू। इसको पैन इंडिया रिलीज करने का भी एक रीजन यही है क्योंकि आप हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, असमीज हो, पंजाबी हो, कानून हिंदुस्तान का एक ही है, संविधान एक ही है। नहीं, देखिए अगर आप वरदराज का आप हिस्ट्री जानेंगे तो वरदराज एक बहुत ही ज्ञानी आदमी होते थे, ही वॉज अर्थशास्त्री होते थे वो। तो इसने अपने हाथ में इसलिए लिया क्योंकि इसको पूरा लॉ मालूम, पूरा कानून इसको मालूम। और ये तो हो गया लॉ की कहानी। अब इसने अपने हाथ में क्यों लिया? क्योंकि ये गीता को फॉलो करता है। जब ये छोटा था, ये कोख में था, तो इसकी माँ गीता पढ़ती थी, तो गीता इसके अंदर तब से है। संगीत की बात करते हैं, गाने कितने गाने क्या फेमस हैं, तो आपके एक्टर्स यहाँ पे नहीं हैं? हाँ, गाने सर फिल्म में कितने हैं मुझे गाता मालूम है, दो तीन गाने, फाइव सॉन्ग्स हैं। हाँ, और म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे हैं रवि शंकर जी, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। फिर वीरेंद्र जी हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं। मैं अगर हैदराबाद में हूँ, साउथ में हूँ, तो कहीं ना कहीं इन्हीं की एक ही इंट्रोड्यूस मी एक्चुअली, सो ही इज प्लेइंग नेगेटिव लीड। हरियाणा हैदराबाद एक ही हो गई रसी एक है ना दोनों की।
एज फॉर हरियाणा एज फॉर हैदराबाद। सर लास्टली बहुत बड़े स्टार कास्ट है, सुमन जी है, वरलक्ष्मी जी है, तो कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, क्या कुछ एक्सपीरियंस है, क्या कुछ फाइनली इवेंट जो शूटिंग के टाइम पे हुआ? देखिए जो वरदराज का जो कंटेंट है ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सा है, और आप इतने सारे मल्टी स्टार के साथ जब आप काम करते हो तो यस थोड़ा सा इनिशियली आपको एक डिफिकल्टी फील होती है, बट मुझे लगता है आई एम लकी इनफ कि पूरा स्टार कास्ट बहुत ही सपोर्टिव रहा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मेरा लैंग्वेज का इशू था पर उसके बाद भी सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और समुद्रा सर का एक मुझे हमेशा आता होता था कि मुझे हमको मालूम तुम करेगा जी, मैं बोलता सर मुझे लग रहा है मुझसे डायलॉग में दिक्कत होगा, नहीं नहीं हमको मालूम तुम करेगा जी। और उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो सीनियर लोग हैं वहाँ के सपोर्टिव है, सीखने को बहुत मिलता है। देखिए सिनेमा ना यूनिवर्सल हो चुका है, एक अच्छा फिल्म शॉर्ट फिल्म किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं रहा है। आप नेटफ्लिक्स जाइए, प्राइम पे जाइए, फिर आप थिएटर में जाइए, हर अच्छी फिल्म जिसको अप्रिशिएशन मिला है वो फिल्म आपके पास हर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होती है। सेम एफर्ट हमने यहाँ किया है साउथ के लोगों की, मैं हिंदी से ही हूँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन लोगों को इतना अप्रिशिएशन क्यों मिला है, बिकॉज ये लोग ना सिर्फ सेट पे आके फिल्म नहीं बनाते हैं, जब ये उठते हैं, जब ये सोते हैं, जब ये खाना खाते हैं, 24 घंटे इनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है सिनेमा। सिनेमा वहाँ पे एक त्यौहार है, सिनेमा एक धर्म के जैसा है वहाँ पे। ये सिनेमा को बनाते नहीं, जीते हैं, सिनेमा को एंजॉय करते हैं, इनकी नस नस में सिनेमा। आप देखोगे वहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम नहीं है, ऐसा ही जैसे हमारे यहाँ पे है, ये गुच्ची लाओ भाई, अरमानी लाओ, उनको कोई ब्रांड से कोई मतलब नहीं, उनको काम से मतलब, सिनेमा सिनेमा से, और बहुत शिद्दत से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे भी करते हैं, बट वो थोड़ा उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ यहाँ पे